ज अ होम मेकर हम हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही स्पेंड करते हैं तीन टाइम्स की मील बनाना उसके बाद उसकी क्लीनिंग और फिर से नेक्स्ट मील की प्रिपरेशन में लग जाना तो अगर हम हमारे किचन के अंदर कुछ स्मार्ट टूल्स रखें या कुछ ऐसे यूटेंसिल्स रखें जिसकी वजह से हम बहुत सारा टाइम सेव कर पाए तो हम हमारे लिए तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं और थोड़ा सा शेल्फिश होके खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट नमस्ते मैं हूँ प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ बहुत यूनिक से टूल्स और यूटेंसिल शेयर करने वाली हूँ जिसके बेसिस पर मैं अपना डेली का रूटीन है उसे फटाफट खत्म कर पाती हूँ किचन के अंदर डिफरेंट साइज के यूटेंसिल्स होते हैं खास तौर से छोटे पॉट या पैंस जिनके डायमीटर काफ़ी कम होते हैं कुछ इस तरीके से जब भी आप उन्हें बर्नर के ऊपर रखते होंगे वो डेफिनेटली फॉल कर सकते हैं जिस वजह से किचन में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होते हैं उसे अवॉइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का एक बर्नर स्टैंड बस आप इसे गैस स्टोव के ऊपर इस तरह से रखें और उसके बाद में जो भी चाहे आपकी छोटी कढ़ाई हो या फिर कुछ इस तरीके से छोटा पतीला आप उसे ईजिली रख सकते हैं ये बिल्कुल हिलेगा नहीं जिस वजह से गिरने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए आप भी डेफिनेटली एक प्लास्टिक वेजिटेबल चॉपर यूज़ करते होंगे बट प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेड्स जब भी रोटेट करते होंगे तो हो सकता है प्लास्टिक कट के हमारे फूड में आए सो वन डे आई वॉज वॉचिंग शार्क टैंक एंड आई कम टू नो अबाउट द स्टील चॉपर मैंने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करके देखा जाए बिकॉज स्टील इज़ अ वेरी गुड सब्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक ये एक्जैक्टली exactly पुराने चॉपर की तरह ही काम करता है उतना ही फाइन चॉप करके देता है एक और एक्स्ट्रा लीडर्स के साथ में आई है जिससे कि जो भी आपने कंटेंट चॉप करा है उसे क्लोज करके रख सकते हैं और जब आप वेजिटेबल्स चॉप ना कर रहे हो तो इसे नॉर्मल स्टील डब्बे की तरह भी यूज कर सकते हैं किचन में काम करते टाइम हमारे पास कुछ यूटिलिटी यूटेंसिल्स भी होने चाहिए जिनके थ्रू आप टाइम सेव कर सकते हैं ये है एक थ्री इन वन कुकर यानी कि आप एक कुकर को तीन डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं फर्स्ट सबसे पहले इसमें आप विसल वाला रेड लगाएंगे तो ये एक नॉर्मल कुकर की तरह एक्ट करेगा जहाँ पर आप दाल चावल छोले या सब्जियाँ बॉईल कर सकते हैं नेक्स्ट ये सेम कुकर कन्वर्ट हो सकता है एक कढ़ाई में और लास्ट में ये आता है इस तरीके के एक स्ट्रेनर लिड के साथ यानी कि आप जो भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं एक्स्ट्रा वाटर अगर उसमें है तो आप इस स्ट्रेनर लिड की हेल्प से उस वाटर को हटा सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस कुकर में राजमा बॉयल कर रही हूँ और बॉयल होने के बाद में अगर मुझे एक्स्ट्रा वाटर स्ट्रेन करना है तो मुझे अलग से कोई यूटेंसिल या स्ट्रेनर लेने की ज़रूरत नहीं है मैं स्लिट को यूज़ करके वाटर हटा सकती हूँ जैसे कि मैंने बोला आप इस सेम कुकर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक कढ़ाई में बिकॉज ऑफ़ इट्स शेप इट इज़ वेरी ईजी कि आप जो भी मसाला रेडी कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर राजमा बनाने के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ उसको स्टेयर करना भी कितना ज़्यादा ईजी है और ईज़िल इसको हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल कुकर टॉल होने की वजह से उसमें सब्जियाँ बनाना डिफ़िकल्ट होता है ये ग्लास लट के साथ भी आता है विच मेक दिस क्वाइट परफेक्ट और आप इसे डायरेक्टली सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से मल्टीटास्किंग की ज़रूरत मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होती है स्पेशली अगर आपको छोले या फिर आलू एक साथ बॉईल करना हो या तो आप इसके लिए दो डिफरेंट कुकर यूज़ करेंगे या फिर एक एक करके दोनों को बॉईल करेंगे दोनों ही केसेस में आप टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के स्टील स्टैकेबल कंटेनर जिसके थ्रू आप दोनों चीज़ें एक ही बार में बॉईल कर पाएंगे तो एक कंटेनर में मैंने छोले और पानी रखा दूसरे में आलू इसके साथ भी आप पानी रखिएगा अगर आलू का साइज बड़ा है तो उसे हाफ में कट कर लें आप इससे टाइम सेव कर पाएंगे अब नॉर्मल प्रेशर कुकर लें और उसके अंदर दोनों कंटेनर्स को कुछ इस तरीके से एक एक करके स्टैक कर दें गैस पर लगाएं और जैसे आप नॉर्मली प्रेशर कुक करते हैं वैसे ही इसे कुक करिए जब एक बार इसका प्रेशर आउट हो जाए कुकर को ओपन करिए और चेक करिए यहाँ पर मैंने छोले और आलू दोनों एक साथ एक ही टाइम पर रखे थे और एक ही बार में गैस को बंद करा है आलू भी बॉयल हो गए एंड छोले भी इससे हम डेफिनेटली टाइम सेव कर सकते हैं पिज्ज़ा कटर एक इंपॉर्टेंट किचन टूल है जिसके थ्रू आप कुकिंग टाइम और कुकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं सैंडविचेस बनाने के बाद में अगर उसे दो स्लाइस में कट करना हो तो नाइफ की जगह इस तरीके से पिज्ज़ा कटर यूज करें इससे आपके चॉपिंग बोर्ड पर एक भी मार्क नहीं पड़ेगा गार्निशिंग के लिए धनिया चॉप करना हो और नाइफ आसपास ना हो तो आप पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर सकते हैं लास्ट में मेरा फेवरेट मसाला लच्छा पराठा बनाने के लिए आप पराठे को पी लिए कटर की हेल्प से आटे के इस तरीके से पतले पतले लेयर्स कट कर लें जब आप पिज़्ज़ा कटर से ऐसे लेयर्स कट करते हैं तो जब आप पराठा बनाएंगे तो एक, एक जो लच्छा है या जो लेयर है आप उसे क्रश करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी इसे सीखिए और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं लेयर्स। पेपर हो या फिर क्लिंग रैप, अगर ये चीजें टाइम पे ना मिले तो इनसे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है तो इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके का एक फॉयल पेपर ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं ये काफी ज्यादा स्लीक है इस वजह से ये छोटे से छोटे शेल्फ के अंदर इजिली फिट हो जाता है ये और भी ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज ये थ्री टीयर है और थ्री टीयर होने की वजह से इसमें आप काफी सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे कि आपके जिप लॉक पाउचेस बटर शीट जिपलॉक पेपर पार्चमेंट शीट या फिर आपका जो न्यू स्टॉक है और फिर कुछ इस तरीके से आप इसे शेल्फ में रखते हैं इससे चीजों को बार बार एक्सेस करना भी काफी ज्यादा ईजी हो जाता है डेली बेसिस पे रोटी बनाने के लिए एक सही तवे को चूज करना इम्पोर्टेंट है नॉन स्टिक पैन पर कोटिंग होती है जिस वजह से आप इस पे डोसा सैंडविच या पराठा ईज़ली बना सकते हैं लेकिन अगर आप एक नॉन स्टिक पैन को यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए तो जब आप रोटी बीच में डालते होंगे तवा एजेस पर जलता है जलने की वजह से इसकी कोटिंग चिप होने लगती है जब आप इसे क्लीन करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का एक हार्ड आयोनाइज तवा इस पर जो कोटिंग होती है वो काफ़ी टफ होती है तो आप इसे ईजिली किसी भी एब्रेसिव स्क्रबर की हेल्प से क्लीन करेंगे तो इसकी कोटिंग बाहर नहीं आएगी ये किसी भी टेम्परेचर को विद स्टैंड करेगा रोटियाँ इस पर चिपकती नहीं हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये लंबे टाइम तक वर्क करता है दूध को बॉईल करने के लिए आप इस तरीके का पतीला यूज़ करते होंगे लेकिन जब आप इन पतीलों को फ्रिज में रखते हैं तो ये शेल्फ़ में बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप अगर आप फ्रिज में थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का पतीला यूज़ कर सकते हैं दोनों पतीले जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं उनकी कैपेसिटी सेम है लेकिन इसका जो शेप है वो टॉल है उसकी वजह से ये शेल्फ में उतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है काफी सारा स्पेस बच जाता है जिसकी वजह से आप यहाँ पर और भी चीजें सेट करके रख सकते हैं पीलर्स कई सारे ऑप्शंस में आते हैं, इसलिए वेजिटेबल के अकॉर्डिंगली किचन ड्रॉर में से करेक्ट पीलर को चूज करना इंपॉर्टेंट है अगर आप छोटी वेजिटेबल्स जैसे कि आम या फिर आलू छीलना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरीके का सेरेडेड पीलर यूज करें ये है वाई पीलर आप वाई पिलर की हेल्प से जब छोटे वेजिटेबल्स को एक हैंड से होल्ड करते हैं तो ग्रिप नहीं आता है जिसकी वजह से आपके हाथ पर कट लग सकता है तो छोटे वेजिटेबल के लिए सेरेडेड पीलर जो कि लॉन्ग हैंडल के साथ में आता है और इस स्लॉट में आपकी फिंगर ईजिली फिट हो जाती है जिससे कि आपको उसे दूसरे हाथ से पकड़ने में अच्छा ग्रिप मिलता है और बहुत ईजिली विदाउट एनी कट आप वेजिटेबल्स पील कर पाते हैं ये है वाई पीलर जब भी आप बड़ी वेजिटेबल जैसे कि कैरेट रेडिश या लौकी को छीलना हो तो आप इस पीलर को बैक एंड फोर्थ मूव करके इजिली वेजिटेबल्स पील कर सकते हैं इंडियन कुकिंग में मसालदानी का अपना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो कुछ इस तरीके से मेरे जितने भी पिसे हुए मसाले हैं मैं उन्हें स्टोर करके रखती हूं कोशिश करिए कि आप इसमें नमक बिल्कुल भी ना रख रहे हो नमक मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से कंटेनर्स में रस लग सकता है और टाइम के साथ साथ ये कंटेनर ब्रेक भी हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर दो मसालदानी यूज़ करती हूँ फर्स्ट मसालदानी में पिसे हुए मसाले रखती हूँ रेगुलर कुकिंग में और एक दूसरे मसालदानी में मैं रखती हूँ कुछ इस तरीके से होल स्पाइसेस। आप कोशिश करिए कि आप इन दोनों कंटेनर्स को स्टोव के पास रख रहे हों फॉर इजी एक्सेस जैसे कि मैंने बोला कि मसालदानी में नमक नहीं रखना चाहिए तो नमक को स्टोर करने के लिए आप इस तरीके के ग्लास कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन मिक्सर करिएगा कि लिड स्टील का ना हो अदरवाइज इसमें फिर से रस्ट लग सकता है होल स्पाइसेस के लिए आप डेफिनेटली ग्लास कंटेनर विद स्टील लिड यूज़ कर सकते हैं तो नमक स्टोर करने के लिए आप कंप्लीटली ग्लास का कंटेनर यूज़ करें लेकिन अगेन फिर से वो एयरटाइट होना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर ना आए ये भी ग्लास कंटेनर है जिसका लिड ग्लास का है बट ये एयर टाइट नहीं है तो अगेन इसमें मॉइस्चर आ सकता है तो मैं काफी लंबे टाइम से जो सॉल्ट है वो इस तरीके के कंटेनर में ही स्टोर करके रख रही हूं और आप देख सकते हैं बिल्कुल मॉइस्चर इसमें नहीं लगता है और जहां पर भी आप कुकिंग कर रहे हो वहां पास में इसको डेफिनेटली रखें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू द स्पाइसेस इनसाइड साइड अवर किचन वो है वुडन स्पून अगर आप स्टील स्पून यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उन्हें कुछ इस तरीके से डिफरेंट साइज ऑफ वुडन स्पून के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अब जितना बड़ा आपका कंटेनर हो उस हिसाब से आप इन वुडन स्पून को ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंगली स्टील स्पून में अगेन रस्ट लगने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से उसे क्लीन करना डिफ़िकल्ट होता है जैसे कि सॉल्ट रखने के लिए मैं ये छोटी स्पून यूज़ करती हूँ जो इस कंटेनर में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाता है अब इन शुगर और टी कंटेनर के अंदर भी मैं वुडन इन स्पून को ही डाल के रखती हूँ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक स्पूंस जो भी मेरे आ, मसाले के बॉक्सेस हैं सेपरेट जैसे ये राजमा मसाला जिसके अंदर ये छोटा स्पून फिट होता है बड़ा स्पून यहाँ फिट नहीं होता है तो बड़े स्पून बहुत ईजली इस तरीके के बड़े कंटेनर में ईजली फिट हो जाते हैं तो जहाँ पर भी मेरा धनिया पाउडर हल्दी ये सब चीज़ें होती हैं मैं इन स्पून को यूज़ करती हूँ अगर आप धनिया की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना चाहते हैं तो जरूरी है कि धनिया को अच्छे से स्टोर किया जाए फ्रॉम लास्ट फोर टू फाइव टू स्टोर कोरिएंडर। यह इस तरीके के दो पार्टीशन बॉक्स के साथ में आता है जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इस बड़े वाले कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से धनिया में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है और धनिया एज इट इज फ्रेश रहता है बस आपको धनिया क्लीन करना है उसे अच्छे से वॉश करें और इस नेट वाले बॉक्स में रख दें और उसके बाद में इस नेट बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर सारा का सारा पानी ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा जिस वजह से धनिया फ्रेश रहेगा और फिर आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके इजिली काफी टाइम तक रख सकते हैं आप किसी भी ऑयल बॉटल को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑयल डिस्पेंसर में विद द हेल्प ऑफ दिस बॉटल पोरर। ये बॉटल पोरर यूनिवर्सल होते हैं जो ईजली किसी भी बॉटल में फिट हो जाते हैं आगे की तरफ एक क्लास्प होता है और ये क्लास्प तभी ओपन होता है जब आप बॉटल को कुछ इस तरीके से टिल्ट करके ऑयल को पोर करते हैं जैसे ही आप बॉटल स्ट्रेट करेंगे ये क्लास्प बंद हो जाएगा और इससे ऑयल बिल्कुल नहीं निकलेगा This is all for today's video and I really hope you are going to find all these tools and utensils useful. If you like this video, then you know the drill. Please like, share and subscribe to my channel. You can also follow us on Instagram and Facebook for more video related updates. So I'll see you next time with another video. Till then, enjoy. Take care and bye bye.